यदि आपने बैंक और पैन कार्ड से जुड़े इन कामों को अभी तक टाल रखा है या आप किसी वजह से भूल गए हैं, तो आपको बता दें कि इन जरूरी कामों को पूरा करने की डेडलाइन सितंबर में ही खत्म हो रही है। तो आप सितंबर में इन 5 कामों को जरूर पूरा कर लें। इन डेडलाइन में छोटी बचत योजना के साथ आधार पैन को लिंक करवाना, अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करना, 2000 रुपए के नोट को जमा करना आदि इसमें शामिल है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको 30 सितंबर तक कौन कौन से काम पूरे कर लेने हैं। दरअसल पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको इस सितंबर पूरा करना है वो है आधार को अपडेट करना। आधार आज एक सबसे महत्वपूर्ण और जरूरत का कार्ड है, जिसके बिना आप कोई भी जरूरी और वैध काम नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आपको जमीन खरीदनी हो, कोई जरूरी बैंक लोन लेना हो, फ्री आधार कार्ड अपडेट की तारीख पहले 14 जून 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है। यानी आप इस तारीख तक अपना आधार कार्ड में पता, फोन नंबर जैसी जरूरी बातों को अपडेट करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार छोटी बचत योजना में 30 सितंबर 2023 तक आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है। तो आप अपने बैंक बचत खाते या पोस्ट ऑफिस खाते को जल्द से जल्द आधार पैन से लिंक करवा लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। 1 अक्टूबर 2023 से अकाउंट को फ्रीज या सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसको पीएफ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी में भी लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया था और इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 रखी गई थी। और जैसा कि सितंबर आ गया है, तो आप सबसे पहले 2000 के नोट को जमा करवा दे, नहीं तो आपकी बड़ी रकम अमान्य हो सकती है। डीमैट अकाउंट नॉमिनेशन SEBI ने ट्रेडिंग करने वालों और डीमैट अकाउंट रखने वालों के लिए नॉमिनेशन करने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 रखी है। यदि डीमैट अकाउंट होल्डर्स इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। ये SBI बैंक की डिपॉजिट स्कीम है और ये वी केयर डिपॉजिट स्कीम 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है, जिसमें डिपॉजिट पर 50 बेसिक पॉइंट्स का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो अगर इनमें से कोई भी काम आपका रह गया है, तो उसे आज ही पूरा कर ले और जल्द ही डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।